वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भोला सा डिजिटल मैकेनिक में। मेरा नाम जान लीजिए भोला सा। तो फ्रेंड, हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी को ऑल पे प्रेस कर दें और वीडियो को लास्ट तक देखें तो ही आपको पता चलेगा क्या फोल्ड है, किस फोल्ड से हम लोग निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और चेक लाइट क्यों आता है। तो फ्रेंड, ये देख सकते हैं कि मीटर बॉक्स के पास में चेक लाइट जो दिखा रहा है आपको, तो मैंने पहले भी वीडियो बनाया है चेक लाइट के ऊपर कि चेक लाइट क्यों आता है, कैसे आता है, और आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें कुछ खास बात है। तो चलिए, चेक लाइट दिखा रहा है तो हम सबसे पहले चलते हैं ब्लूटूथ डिवाइस को लगा लेते हैं, जो कि ब्लूटूथ डिवाइस जो है अपना मोबाइल से कनेक्ट करना है और उसको कनेक्ट करके देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आ गए फ्यूज बॉक्स के पास, और फ्यूज बॉक्स के पास आने के बाद कुछ इस तरह से वायरिंग का जो कनेक्शन होता है ये दिया हुआ है, उसका स्विच दिया हुआ है जो कि इसमें हमको कनेक्ट करना है, इसमें लगाना है हमको। तो ये ब्लूटूथ डिवाइस से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा काम करने में और कोई दिक्कत भी नहीं होगा आपको। तो ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था कि 13,669 रुपये का प्राइस है इसका, और काफ़ी अच्छा काम करता है, जो कि वायरस भी आता है हमारे पास कि वायरस डिलीट करना है, वायरस आ गया है चेक कर लो, तो हम लोग वायरस भी डिलीट करते हैं, आपको टाटा मोटर्स में भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वायरस डिलीट के लिए। तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लगा दिया है, उसमें छोटा सा बटन है, उसको मैंने कर दिया ओके, कर दिया बटन को, और मोबाइल में मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ। अगर जैसे ही मोबाइल में कनेक्ट होगा फ्रेंड, ये विलिंग करने लगेगा। जब कनेक्ट हो जाएगा हमारे मोबाइल में तो ये विलिंग करने लगेगा कि मैं कनेक्ट हो चुका हूँ। तो चलिए, स्क्रीन पे चलते हैं, उसको हम लोग ओके करते हैं, तो यहाँ पे विलिंग करने लगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये कनेक्ट हो चुका है हमारे मोबाइल में, और इसमें जानेंगे कि चेक लाइट क्यों आ रहा है और क्या तकलीफ है इसके अंदर में। तो चलिए, पहले फोल्ड कोड में घुसते हैं, फोल्ड कोड में आकर देखते हैं इसको डिलीट करके। वायरस होगा तो ये हट जाएगा, नहीं होगा तो नहीं हटेगा, क्योंकि वायरस तो डिलीट हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर 428 का कोड दिखा रहा है यहाँ पर वाटर इन फ्यूल का। फिर से एक बार देखते हैं वायरस डिलीट करके, क्लियर करके होता है कि नहीं। तो ये क्लियर नहीं हो रहा है फ्रेंड, इसमें प्रॉब्लम है, इसके लिए चेक लाइट भी आ रहा है और चेक लाइट मीटर बॉक्स में दिखा भी रहा है। तो चलते हैं वाटर इन फ्यूल यानी वाटर सेपरेटर जो हमारा लगता है BS4 गाड़ी में, आपने देखा होगा कि हमारा पीछे की तरफ लगता है जहाँ पर बैटरी रहता है, और उसमें मेन फिल्टर, उसी को हम बोल सकते हैं क्योंकि मेन फिल्टर पहले तो डीजल उसमें ही आता है। तो चलिए, वहाँ पर भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि 428 का कोड आ रहा है और इसमें चेक लाइट भी हटा नहीं है। तो चलते हैं, इसको डिसकनेक्ट कर लेते हैं एक बार और फिर वहाँ पे जाकर चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो यहाँ पे वायर भी कुछ निकला हुआ नहीं है फ्रेंड, ऐसा लग रहा है कोई तकलीफ भी नहीं है। चलिए पहले इसको साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी भी आता है तो भी हमारा इसमें चेक लाइट दिखाता है। तो चलिए, इसको साफ़ करके लगाते हैं और लगा कर देखते हैं कि चेक लाइट गया कि नहीं गया। तो फ्रेंड, चेक लाइट गया ही नहीं है अभी, और फिर से इसको एक बार दिखा दूँ आपको कि ये ब्लूटूथ कन्वर्टर है, जो कि ये काफ़ी अच्छा मदद मिलेगा आपको। फिर से ये लगा लेते हैं एक बार, और लगा कर फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फोल्ड हटा कि नहीं हटा। अभी मीटर बॉक्स में चेक लाइट दिखा ही रहा है, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं ये फोल्ड हटा कि नहीं हटा, कोई दूसरा फोल्ड तो नहीं है इसके अंदर। फिर से एक बार देख लेते हैं, तो यहाँ पे फिर से स्क्रीन इंजनमेंट में करूँगा, ओके करूँगा, और उसको भी चेक कर लेता हूँ कि फिर से वही हमारा कोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक होगा नहीं, कनेक्ट हो गया तो यहाँ पे फोल्ड कोड में फिर से चलते हैं, फिर से वही प्रॉब्लम है। अगर वायरस होगा तो हटेगा, नहीं होगा तो क्लियर नहीं होगा। ये फ्रेंड प्रॉब्लम उसमें है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम इसमें फ्रेंड ये है कि इसमें गाड़ी में खिंचाई भी कम है, तो इसमें हम लोग आज फ़िल्टर भी चेंज करेंगे, क्योंकि फ़िल्टर का काफ़ी टाइम हो गया है, तो इसको फ़िल्टर भी चेंज कर लेंगे। और ये जो हमारा 428 का कोड आ रहा है वाटर एंड फ्यूल का, तो उसको भी हम सही करेंगे और चेक लाइट को ख़त्म करेंगे कि चेक लाइट मीटर बॉक्स में हट जाए। ये काफ़ी ये चीज़ आपको मदद मिलेगा काफ़ी, देख सकते हैं ये 13,696 रुपये का है, यानी 14,000 जैसा का आएगा आपका। चलिए फिर से इसको निकालते हैं और चेक करते हैं इसमें
प्रॉब्लम हमको कहाँ से मिलता है। तो अच्छे सर से इसको चेक कर लेते हैं कि प्रॉब्लम इसमें है कि नहीं है। प्रॉब्लम है तो ही हमारा चेक लाइट दिखा रहा है और चेक लाइट आ रहा है इसके अंदर में, और इसका ही कोड बार बार क्यों आ रहा है इसको देखना है। कोई पिन तो नहीं निकल गया, कोई पिन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, तो इसको देख लेते हैं पहले। और इस बार फ़िल्टर भी चेंज करने को मैंने बताया कि फ़िल्टर भी हम लोग चेंज करने वाले हैं इसके अंदर। तो फ़िल्टर से फ्रेंड क्या होता है कि फ़िल्टर से तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा नहीं और आता भी नहीं है। फ़िल्टर तो हम लोग ऐसे ही चेंज करेंगे क्योंकि गाड़ी में पिकअप का प्रॉब्लम था इसके अंदर में। तो चलिए हम लोग फ़िल्टर भी चेंज कर लेते हैं। और फ्रेंड एक चीज़ और बता दूँ कि इसको जब भी आप लोग फ़िल्टर को लगाते हैं तो फ़िल्टर को डीजल भर के ही लगाएँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ़ ना हो। तो इसको हमने पहले ढीला कर लिया था, इसके लिए हम लोगों ने इसको हाथ से खोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत बहुत फेस ज़्यादा हो जाता है, ये टाइट बहुत होता है ये। अब चलिए दूसरा फिल्टर हम ले लेते हैं, उसमें डीजल भर लेते हैं। डीजल भर के उसमें यहाँ पे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या फॉल्ट होता है, प्रॉब्लम सॉल्व कि नहीं होता है। तो ये फ्रेंड क्या है कि वाटर सेपरेटर फिल्टर जो है इससे प्रॉब्लम नहीं होता है। चेक लाइट जो आता है हमारा इंजन के अंदर, कोई फॉल्ट होता है, कोई तकलीफ़ होता है तो ही हमारा चेक लाइट मीटर बॉक्स में दिखाता है, यानी इंजन चेक। वो हमको बोलता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग चेक करो, इसके लिए हमको चेक लाइट दिखाता है वो। तो ये फ़िल्टर हमने भर दिया, क्लब कंप्लीट कर दिया और इसको लगाते हैं, एक बार साफ़ कर लेते हैं इसको फ़िल्टर को, और इस वायर को भी साफ़ कर लेते हैं, सेंसर को भी साफ़ कर लेते हैं, थोड़ा इसको साफ करके ही लगाते हैं इसको। तो फ्रेंड इसके वायर में कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है तो ही ये चेक लाइट आ रहा है और बार बार ये कोड दिखा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आपको दिखाएंगे पूरा कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर फ्रेंड चेक लाइट अभी भी दिखा रहा है, यानी चेक लाइट है, प्रॉब्लम है तो ही चेक लाइट दिखा रहा है, फ़िल्टर से प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर चेक लाइट दिखा रहा है, थोड़ा सा धूप का ज़्यादा यहाँ पे धूप आ रहा है ज़्यादा, इसके लिए यहाँ पे मीटर बॉक्स कुछ दिख नहीं रहा, मगर चेक लाइट यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये देख सकते हैं एबीएस और चेक लाइट दोनों पास में ही रहते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत वीडियो आपने देखा होगा कि पैर से हम 10 बार पैडल करेंगे एक्सलेटर पैडल तो हट जाएगा, तो फ्रेंड इससे कुछ नहीं होता है। जब हमारा इंजन में प्रॉब्लम रहेगा तो हमको तो सॉल्व करेंगे तो ही हमारा चेक लाइट जाएगा, अगर नहीं प्रॉब्लम रहेगा तो चेक लाइट तो आना ही नहीं है और आएगा ही नहीं। अगर इंजन में हमारा कोई भी अगर गाड़ी के अंदर हमारा प्रॉब्लम है तो ही हमारा चेक लाइट मीटर बॉक्स में दिखाएगा, जैसे कि BS6 में कुछ अलग दिया हुआ है। BS6 में फ्रेंड चेक लाइट का सिस्टम नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे सीधा स्टॉप लिखता है और उसमें मैक भी दिया हुआ है, उसमें मैक भी दिया हुआ है कि साइड करो गाड़ी का, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाता है इसमें क्या है, चेक लाइट दिया हुआ है। BS4 में तो आपको चेक लाइट दिया हुआ है, BS6 में मैक दिया हुआ है और स्टॉप का सीधा कर देता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो स्टॉप लिख देता है सीधा और आपको साइड करने के लिए बोलता है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि चेक लाइट हमारा अभी भी दिखा रहा है। तो फ्रेंड चेक लाइट शायद चला गया क्योंकि वही वायर में प्रॉब्लम था, वायर का कारण ये चेक लाइट हमारा आ रहा था बार बार। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं, ये 2 बार आ चुका है, एक बार और बढ़ गया। तो फ्रेंड मैं आप लोग से बता दूं जानकारी के लिए कि ये चेक लाइट हमारा क्यों गया है और ये हमारा फॉल्ट कोड क्यों गया है, कि जो हमारा वाटर सेपरेटर का जो हमारा वायर था वो अंदर से क्रैक हो चुका था, जो कि अंदर ही अंदर टूट चुका था, इसके लिए हमारा चेक लाइट दिखा रहा था और ये कोड आ रहा था। कभी भी आपका चेक लाइट आता है और ये आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है आपके पास और मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, अगर ऐसा 428 का कोड आता है आपके पास तो उस वायर को देख लेना है, अगर वायर कहीं से टूटा हुआ है तो आपको मिल जाएगा, नहीं टूटा हुआ तो उसको वायर का कवर जो होता है उसको हटाकर देख लेना है कि वायर हमारा ये टूटा हुआ ही है। तो इस तरह से हमने कवर को हटाया तो हमको पता चला कि चेक लाइट इसमें उसी के कारण आ रहा था। तो इसलिए आप लोग से बोलता हूँ कि अगर ऐसा चेक लाइट आता है आपके पास ब्लूटूथ डिवाइजर है तो उसको चेक करना है वायर को, कवर को हटाकर। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।